हाँ तो आज अपन विलियन चैप्टर पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन बहुत ही प्यारा चैप्टर है ना। सॉल्यूशन 12th क्लास के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन इज ए मिक्सर। सॉल्यूशन जो होता है दैट इज बाइनरी मिक्सर। ठीक है, अब बाइनरी मिक्सर मतलब द्विअंगी मिश्रण। देखते हैं मिश्रण मिक्सर की अपन जब बात करते हैं तो मिक्सर का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को अपन मिक्स कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है बेटा, मिक्सर बन जाता है ना। तो मिक्सर में अपन जैसे बात करते हैं कि मैंने मिल्क में वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, तो मिल्क अलग चीज़ है, वाटर अलग चीज़ है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन गया, मिक्सर बन गया। तो इसे बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन है एक। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने शुगर ऐड कर दी, शुगर किस में ऐड कर दी, वाटर में, मिला सकते हैं ना भाई, पानी में चीनी घोल सकते हैं। तो दो अलग अलग कंपाउंड का जो मिक्सर है उसे ही अपन क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, इसके लिए इम्पोर्टेंट बात जो है कि यहाँ पे दो चीज़ों को अपन ने यहाँ पे बाइनरी मिक्सर बोला है तो अपने को यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। मतलब क्या है कि दो ही चीज़ों का मिक्सर यहाँ पे अपने को पढ़ना है। ठीक है, दो से ज़्यादा भी मिक्स कर सकते हैं लेकिन क्लास 12th पर अपने को दो चीज़ों का मिक्सर ही पढ़ना है। बात समझ में आ रही है, यस और नो कुछ तो बोलो। वेरी गुड। चलो देखो अभी यहाँ पर दो चीज़ें अपन मिक्स कर रहे हैं तो एक तो कम क्वांटिटी में ऐड कर रहे हैं, एक ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, एक कम मात्रा में एक ज़्यादा मात्रा में। तो जो कम मात्रा में ऐड करते हैं, जो कम क्वांटिटी में ऐड करते हैं उसे बोलते हैं सोल्यूट। ठीक है, क्या बोलते हैं, सोल्यूट मतलब विलेय। और जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं सोलवेंट मतलब विलायक। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, एक सॉल्यूट होगा दूसरा सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट में अपन सॉल्यूट को मिला देंगे, मिक्स कर देंगे तो मिक्स करने से जो बनेगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज द मिक्सर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। या आप बोल सकते हैं सॉल्यूशन इज द मिक्सर, या कहें कि दिस इज होमोजीनियस मिक्सर, समांगी मिश्रण होता है किसका, सोल्यूट और सोलवेंट का। ठीक है, तो वॉट इज सोल्यूशन, सोल्यूशन इज द मिक्सर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। और किस टाइप का मिक्सर है, होमोजीनियस मतलब समांगी। समांगी का मतलब यहाँ पे यह है कि जब दो चीज़ों को आपने मिक्स कर दिया तो मिक्स करने के बाद में जो बन रहा है उसमें फिजिकल स्टेट जो है दोनों ही सब्सटेंस की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सॉलिड है और कौन लिक्विड है। जैसे चीनी को पानी में घोल देते हैं ना, तो चीनी जो सॉलिड था वो भी अब क्या बन गया, लिक्विड बन गया। और फिर दूसरी बात, इसकी कंडीशन ये होती है कि आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ तो आपको सेम प्रॉपर्टीज मिलती है, तो इसे अपन बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर। ठीक, तो विलयन दो चीज़ों से मिलके बनता है, सोल्यूट एंड सोलवेंट। ठीक है, सोल्यूट जो होता है वो किसी सॉल्यूशन में कम मात्रा में होता है और ये ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो शुगर इन वाटर। ठीक है, ये चीज़ ठीक है। अब देखो समझने वाली बात है, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बोले या बात करें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें जो चीज है इसको अपन हिंदी में बोलते हैं सांद्रता। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ये क्या चीज होती है, समझने के लिए अपन ये बात कर सकते हैं भाई, जो जितनी क्वांटिटी आपने सोल्यूट की सोलवेंट में मिक्स करी है, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की मात्रा। अब देखो पानी में जब अपन शुगर ऐड कर रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं, तो एक चम्मच भी मिला सकते हैं, दो भी मिला सकते हैं, तीन भी मिला सकते हैं। तो इस तरीके से सर, एक तो एक चम्मच मिलाओ तो वो कम मीठा बनेगा,
2 चम्मच तो और मीठा, 5 चम्मच तो और ज़्यादा मीठा। तो ये सॉल्वेंट जो था उसके कंपैरिजन में सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है, किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, कि 1 गिलास पानी था उसमें 1 स्पून, कभी 2 स्पून, तो ये क्वांटिटी जो है वेरी कर रही है। ये ही जो क्वांटिटी है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता, मतलब कि सॉल्वेंट के कंपैरिजन में आपने कितना सॉल्यूट उसमें ऐड किया है, ठीक है। या फिर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ना बोल के पूरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में भी बोल सकते हैं, भाई 1 लीटर सॉल्यूशन तैयार किया तो 1 लीटर में बताओ कि 20 ग्राम चीनी है या 50 ग्राम चीनी है, तो वो ही क्वांटिटी अपनी क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं जनरली लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्वांटिटी किसकी बताएंगे, सॉल्यूट की बताएंगे, किसके कंपैरिजन में बताएंगे, या तो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में या फिर टोटल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। तो वो चीज़ होती है, वो होती है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको दर्शाने के लिए, इसको बताने के लिए अपने पास बहुत सारी टर्म्स होती है अलग अलग, कि किस तरीके से अपन कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है या बात है वो आप ये ध्यान रखेंगे कि डिवाइड के नीचे तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट होगी या फिर सॉल्यूशन होगी, और ऊपर जो है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा या विलायक की मात्रा, ठीक है। तो अभी 1 बाय 1 अपन वो स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी टर्म्स है जो कि कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक। चलो देखो, सबसे पहले अपन मिक्सर जो बना रहे हैं तो यहाँ पे ये जो ज़्यादा क्वांटिटी वाला है मैटर अपने पास में, उसको आप बोल रहे हैं सॉल्वेंट, ठीक है, विलायक। और इसको मैं पूरे इस चैप्टर में रिप्रेजेंट करूँगा ए से, ठीक। और इसमें जो आप क्वांटिटी ऐड करते हो उसको आप बोलते हो सॉल्यूट, ठीक है, विलेय। इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा बी से, ठीक है। सॉल्यूट जहाँ पे भी सफिक्स में या कहीं पे भी लास्ट में बी लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना कि सॉल्यूट की बात हो रही है। ए जहाँ पे लिखा हुआ मिले वहाँ समझ जाना कि सॉल्वेंट की बात हो रही है। अब सॉल्यूट की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के भी अपने पास 3 मेथड है, कैसे कैसे, या तो अपन बोल सकते हैं सॉल्यूट के मोल, ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट, तो अपन इसको एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, और सॉल्यूट के लिखे हैं ना तो मैं लिख सकता हूँ एन बी, एन बी, एन बी का मतलब हो गया किसके मोल हो गए, सॉल्यूट के मोल हो गए। ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि द्रव्यमान, किसका, सॉल्यूट का, उसको मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू बी से, ठीक। और ऐसे ही मैं बात करूँ अगर तो मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, इसको अपन लिख सकते हैं वी बी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों से अपन किसकी क्वांटिटी को दर्शा सकते हैं, विलेय की क्वांटिटी को, सॉल्यूट की क्वांटिटी को, क्लियर है। अब आगे चलें तो सेम अपन किसके लिए कर सकते हैं, सॉल्वेंट के लिए कर सकते हैं, कि सर सॉल्यूट तो आपने ऊपर था, यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं सॉल्वेंट की, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट, और उसको क्या लिख लेंगे, एन ए लिख लेंगे, क्योंकि ए मैंने बोला ना सॉल्वेंट के लिए मैं ए काम में लूँगा। ऐसे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्वेंट विलायक, मास द्रव्यमान, ठीक है, तो डब्ल्यू ए लिख देंगे इसको। ऐसे ही अगर तीसरी बात वॉल्यूम के लिए करें तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट,
और उसको मैं लिखूंगा वी ए, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मोल ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, एन ए डब्ल्यू ए वी ए, और सॉल्यूट के लिए मतलब विलेय के लिए एन बी डब्ल्यू बी एंड वी बी। क्लियर है बेटा। अब इसके बाद में मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि मोल ऑफ सॉल्यूशन बताओ, मोल ऑफ सॉल्यूशन कि मतलब इस पूरे सॉल्यूशन में कितने मोल हैं। तो इस सॉल्यूशन जो बना है वो तो विलेय और विलायक से बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना है, तो आप दोनों के मोल क्या कर दोगे, ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे Na प्लस Nb, ठीक है। फिर मैं बात करूं कि मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन की जब बात कर रहे हैं तो सर वो भी तो विलेय और विलायक मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना है, तो उन दोनों को भी अपन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। ये बातें जरूर ध्यान रखना, ये अभी लग रहा है कि फालतू की बातें हैं लेकिन ये फालतू की बातें नहीं है, ठीक है। अभी आगे चल के आप यहीं फंसने वाले हैं। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो उसमें अपन क्या लिख सकते हैं वी ए प्लस वी बी, ठीक है। ये बात देख लो आप अच्छे से, इसको समझ लो क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो ये बातें अपन लिख लेंगे आराम से, कोई टेंशन यहाँ पे नहीं है। रब कर दूँ मैं इसको, अब देखो कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का जो सबसे फर्स्ट मेथड आता है वो आता है अपना मास परसेंट या मास रेशियो या कहें द्रव्यमान प्रतिशत। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है मास रेशियो या मास परसेंट, या इसको डब्लू बाई डब्लू परसेंट भी अपन बोल देते हैं, ठीक है। परसेंट है तो मतलब जो परसेंट अपन फाइंड करते हैं उस तरीके से परसेंट फाइंड करेंगे, लेकिन ये बोला है कि डब्लू अपॉन डब्लू। और आपको जो स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला बताया था वो बताया था क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो सॉल्वेंट सिर्फ अपन एक ही जगह काम में लेंगे मोलेलिटी में, बाकी जगह सब जगह अपन क्या काम में लेंगे, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैं अगर इसका फॉर्मूला लिखूँ तो मैं बोलूँगा कि मास ऑफ सॉल्यूट, और उसको आपने क्या लिखा था डब्ल्यू बी अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का अभी अभी लिखा था आपने कि डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, और मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि परसेंट के लिए क्या करना पड़ता है 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास में, लिख सकता हूँ मैं डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा डब्ल्यू बाई डब्लू परसेंट आ जाएगा। बोलो यस और नो, ठीक है। इसके बाद में सेकंड जो है वो है वॉल्यूम परसेंट या वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। इसको अपन लिखते हैं वी बाई वी प्रतिशत या परसेंट, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला चलेगा वी बाई वी, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मतलब विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो उसके लिए भी फॉर्मूला सेम बन जाएगा अपने लिए, तो मैं लिख दूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जिसको अपन क्या लिखेंगे वी बी अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको क्या लिखेंगे वी ए प्लस वी बी और इंटू में 100%, समझ गए, ठीक है। तो वी बाई वी परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वी बी अपॉन में वी ए प्लस वी बी इंटू 100, ठीक है। क्लियर है, अब कर दें इसको।
ये देखो डायरेक्टली आपको ध्यान रखने की बातें हैं, ये ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी अपन यूज़ करेंगे, क्या नींद आ रही है क्या फिर? देखो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि 25 ग्राम NaCl को मैंने 250 ग्राम H2O में, मतलब वाटर में घोल दिया, ठीक। तो मैंने पूछा बताओ इसकी कॉन्सेंट्रेशन बताओ, तो हम क्या कर सकते हैं कि सर मास दे रखा है तो कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का अपने पास मास परसेंट एक मेथड है, तो मास परसेंट अपन इसका क्या बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं, तो मास ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ पे देखना ये है कि कौन सोल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, तो जिसमें घोला वो तो क्या है सॉल्वेंट, और जिसको घोला मतलब ये सॉल्ट घोला है ना आपने NaCl, तो ये क्या है सोल्यूट। तो यहाँ से सबसे पहले ये देखो कि WB मास ऑफ सोल्यूट वो कितना है 25 ग्राम, और मास ऑफ सोलवेंट दैट इज WA वो कितना है 250 ग्राम, ठीक है। और फिर मास ऑफ सॉल्यूशन की जब ज़रूरत पड़ेगी तो WA और WB को ऐड कर लेंगे, तो WB अपॉन में WA प्लस WB इंटू 100%। सोल्व करेंगे तो WB कितना रखेंगे 25 अपॉन में WA प्लस WB मतलब 250 प्लस 25 ऐड करेंगे तो 25 अपॉन में 275 इंटू 100। इसको कर सकते हैं, कोई भी सोल्व कर सकता है इसको, तो आंसर आ जाएंगे, ठीक है। आगे सुनो भाई, तो ये कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो दूसरी बात, अगर आपको यहाँ से एक चीज़ और पूछ सकता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट अगर पूछे, मास ऑफ सॉल्वेंट मैंने बोला कि 10 ग्राम NaCl इज डिजोल्व इन वाटर टू मेक ए सॉल्यूशन ऑफ 100 ml या 100 ग्राम, ये क्या बना दिया आपने टोटल सॉल्यूशन, ठीक है। और कितना नमक डाला है इसमें 10 ग्राम, तो ये तो मास ऑफ सॉल्यूशन है और ये मास ऑफ सॉल्यूट है। अब आपसे ये पूछा कि बताओ यहाँ पर जो सॉल्वेंट था विलायक था वो कितना है, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, आपने बोला कि डब्ल्यू बी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 10 ग्राम, और डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी वो दे रखा है 100 ग्राम। तो अगर अपने को डब्ल्यू ए पता करना है तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, 100 ग्राम माइनस डब्ल्यू बी करेंगे बस, तो 100 माइनस 10 ग्राम इक्वल्स टू 90 ग्राम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो सबसे सिंपल वाली बातें हैं, थोड़ा इन बातों को और अपन थोड़ा ऊपर करें तो और अच्छी बातें निकल के आएगी, देखते हैं। यहाँ पे आ गया कि फाइंड द मास ऑफ वाटर इन 25% WBW सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब इसका ये हो गया कि आपको वाटर का मास बताना है, यानी कि जो विलायक है वाटर है उसका आपको क्या बताना है, द्रव्यमान बताना है, और दे क्या रखा है 25% WBW सॉल्यूशन ऑफ NaCl। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आपको NaCl का जो परसेंट दे रखा है वो तो दे ही रखा है, और वाटर की यहाँ पर आपसे पूछी है क्वांटिटी मास के टर्म्स में। तो अभी देखो ये है मास परसेंट दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला लगाएं अपन, तो WB अपॉन में WA, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
इसका यूज होगा, डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन आपको पूछेगा, मैं बताऊंगा आगे। डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 1000 और वो कितना दे रखा है आपको 25%। देखो परसेंट के साइन से परसेंट का साइन गया, बहुत ही ये बहुत टफ था काम, परसेंट के साइन से परसेंट के साइन को काटना, ठीक है। तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी और ये हो जाएगा 25/100। अब इसका मतलब क्या है, अगर इस रेशियो को देखें तो इसका मतलब ये है कि डब्ल्यू बी 25 है और डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी कितना है 100 है। तो अपन ये लिख सकते हैं, इक्वेशन बन जाएगी डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इक्वल्स टू 100 एंड डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू 25। और आपसे पूछा क्या है, डब्ल्यू ए पूछा है, तो डब्ल्यू ए के लिए क्या करेंगे 100 माइनस डब्ल्यू बी और वो कितना है डब्ल्यू बी कितना है 25। तो बताओ कितना आ जाएगा 75 ग्राम। ठीक है, कितना शानदार क्वेश्चन, अच्छी बात है। चलें आगे, अब देखो थर्ड, अपन ने पहले मास परसेंट पढ़ा, वॉल्यूम परसेंट पढ़ा, अब जो अपन थर्ड बात कर रहे हैं, चलो ठीक है भाई, तीसरा अपन पढ़ लेते हैं, वो अपना है मास बाई वॉल्यूम रेशियो, मास बाई वॉल्यूम, इसको अपन लिखते हैं डब्ल्यू बाई वी परसेंट। बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, देखने से ही पता चल जाएगा, ऊपर क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक बात ज़रूर ज़रूर याद रखना, यहाँ पर इन दोनों की यूनिट क्या रखोगे, मास यहाँ पे रखना ग्राम में और वॉल्यूम रखना ml में, ठीक है। मास किस में रखोगे ग्राम में और वॉल्यूम रखेंगे किस में ml में। चलो ठीक है भाई, फॉर्मूला बना देते हैं इसका, मास ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी, मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वी ए प्लस वी बी इंटू 1000। तो ये बन गया फॉर्मूला, अरे 100 है बेटा, 1000 कहाँ से आएगा, ये 1000 जैसा दिख रहा है, ये परसेंट का साइन है यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे 1000 बेटे, हाँ कर रहे हैं सारे के सारे। फोर्थ, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो, ठीक है, चलो अगली बात कर लेते हैं। देखो अपन ने मास बाई मास पढ़ लिया, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पढ़ लिया, उसके बाद में अपन ने मास बाई वॉल्यूम पढ़ लिया, उसके बाद में बहुत ही इम्पोर्टेंट, ऐसे तो ppm भी होता है, पार्ट्स पर मिलियन, ppm दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10^6, ठीक। तो अभी इसका ppm का भी बहुत ही ईजी है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, लेकिन यहाँ पे परसेंट नहीं है, ये मिलियंस में बात कर रहा है, तो 10^6 ये जो बना है फॉर्मूला किसका बन जाएगा ppm। एक बात नोटिस करने वाली है कि सर सेम वही फॉर्मूला चल रहा है, ऊपर सॉल्यूट आ रहा है नीचे सॉल्यूशन आ रहा है। अगली और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो है मोल फ्रैक्शन, क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन को अपन लिखते हैं x, ये x क्या है, क्या है ये x, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, परसेंट की बात नहीं कर रहे, और मोल का फ्रैक्शन है तो सर वही बात रहेगी अपनी कि अगर मान लो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन अपने को फाइंड करना है, या मैं जनरल बात करूं तो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो होते हैं मोल ऑफ कंपोनेंट, मतलब जिस भी घटक के आपको जिस भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पता करने हैं उसके मोल ऊपर अपॉन में टोटल मोल्स, टोटल मोल्स, ठीक है। तो ये बात होती है,
अब इसको अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करके नया बनाऊँ, तो अगर मान लो सोल्यूट के मोल मुझे पता करने हैं, इसके सोल्यूट के, तो सोल्यूट के मोल के लिए मैं क्या लिखूँगा इसे, एक्स बी क्या है, मोल ऑफ सोल्यूट, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोल ऑफ सोल्यूशन, और एक्स बी जो बनेगा आपका वो बन जाएगा एन बी, क्योंकि अपन ने पहले ही बता दिया कि मोल्स ऑफ सोल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन बी से, और सोल्यूशन के मोल क्या हो जाएंगे, एन ए प्लस एन बी, ठीक। और ऐसे ही अगर मान लो सॉल्वेंट के मोल मुझे पता करने हो, तो मैं क्या लिख लूँगा, एक्स ए इक्वल्स टू एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी, ये बात क्लियर है, ठीक है, ठीक। अब देखो मज़ेदार बात क्या होने वाली है कि ये मोल क्या होते हैं सर, ये तो हम जानते ही नहीं हैं, ठीक है, बहुत ही प्यारी बात है ये, ठीक है। वैसे बहुत सारे बच्चे जानते हैं, कुछ बच्चे नहीं जानते कैसे फाइंड करते, तो वो भी थोड़ी सी बात अपन यहीं पे कर लेते हैं, ठीक। अरे हाँ ना बोल, वेरी गुड। अब देखो मोल क्या होता है, अगर जनरल में बात करूं तो कोई भी क्वांटिटी जो अवोगाद्रो नंबर के इक्वल होती है, मतलब अवोगाद्रो नंबर जो होता है उसको अपन एन ए से लिखते हैं, एन ए इज द अवोगाद्रो नंबर, और उसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 6.023 इंटू 10 to the power, वेरी गुड, ठीक है, ये अवोगाद्रो नंबर होता है, देख लो अवोगाद्रो नंबर। अभी तक का कैलकुलेटेड सबसे लार्जेस्ट नंबर जो है ना वो अवोगाद्रो नंबर है, और इस क्वांटिटी को ही अपन क्या बोलते हैं, 1 मोल। जैसे 12 क्वांटिटी अगर 12 होती है तो उसे क्या बोलते हैं, एक दर्जन, डोजन बोलते हैं ना, ठीक है, ऐसे ही इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, 1 मोल, ठीक। और ये कैलकुलेट किया था उस टाइम पे, जिस टाइम पे किया था, अभी उतनी ज़रूरत नहीं है, अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो बता रहा हूँ। किसी भी कंपाउंड के अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी ये है, जैसा यहाँ पे आपको मिलने वाला है, या तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स जो भी है गिवन हो, तो उसको तो आप इससे डिवाइड कर दोगे कि नंबर ऑफ मोल्स एन, ये क्या है, क्वांटिटी, मतलब कि मान लो कि दे रखा है 24 जो है एटम्स, 24 एटम्स किसके, हाइड्रोजन के, अब बताओ कि इसके मोल कितने हैं, तो आप जो भी क्वांटिटी दे रखी है उसको किससे डिवाइड कर दोगे, इससे, तो डिवाइडेड बाई एन ए, तो वो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। एक तो ये बात हो सकती है, ये क्वांटिटी किसमें है, इन नंबर्स, नंबर में होनी चाहिए ये, डिजिट में होनी चाहिए। अब अगली बात मैं अगर करूं, तो अगर मान लो कि आपको नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है और मास गिवन है, मास इज गिवन, ये थोड़ा अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मास गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो मास आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वो, और अपॉन में मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास जो मॉलिक्यूल होता है उसका मास होता है, और यूनिट उसकी होती है ग्राम पर मोल, मतलब कि सर 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है वही क्या होता है, मोलर मास, लेकिन किस में, ग्राम में, ग्राम में 1 मोल मास का, 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है उसे अपन क्या बोल देते हैं, मोलर मास, और उसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल, ठीक है। और ये गिवन मास है, ये ग्राम में, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा और यूनिट क्या आ जाएगी,
मोल, तो नंबर ऑफ मोल फाइंड कर रहे हैं तो मोल की यूनिट तो मोल ही होगी ना बेटा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्लियर। अब देखो इसको थोड़ा सा और चेंज करके अपन अपने जो मोल फ्रैक्शन अपन ने फाइंड किया है उसमें अप्लाई करते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स बात करता हूँ किसके सॉल्यूट के एन बी, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ऐसे ही अपना जो मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स अगर सॉल्वेंट के लिए बात करें एन ए, तो वो क्या हो जाएंगे डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं मोल फ्रैक्शन एक्स ए या एक्स बी फाइंड करता हूँ तो वो कैसे फाइंड कर सकता हूँ, एक्स बी तो एक्स बी था अपना एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी, तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, एन बी की जगह क्या पुट कर सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, और मल्टीप्लाइड में क्या आ जाएगा इन दोनों के मोल्स एडिशन में, ठीक है। तो उसको अपन लिख सकते हैं क्या, ऐसे मत लिखो इसको पूरा पूरा सही सही लिख लो, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, उसके बाद में डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए, और प्लस डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। तो इस तरीके से भी मोल फ्रैक्शन फाइंड हो सकता है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात और आपको याद रखनी है, दैट इज कि सर मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है दैट इज इक्वल्स टू वन, मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी दोनों मिला के कितना रहेगा वन, क्योंकि फ्रैक्शन जो होता है ना वो वन का ही होता है, वन में से कितना, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है, तो दोनों ये दो कंपोनेंट थे तो दोनों को वापस ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं अपन कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, सॉरी 10 ग्राम NaCl इन 180 ग्राम वाटर, ठीक है। देखो अपन ने 10 ग्राम NaCl किस में डाला है, 180 ग्राम वाटर में, तो ये तो सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया, तो आपको इसके नंबर ऑफ मोल बताने हैं सॉल्यूट के। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला अपने पास में है, अप्लाई कर दो भैया। अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले अपन देखेंगे कि डब्ल्यू बी कितना दे रखा है 10 ग्राम, कितना दे रखा है 10 ग्राम, डब्ल्यू ए कितना दे रखा है 180 ग्राम, ठीक है। अब देखो इसके लिए अपने को जरूरत है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास को अपन कैपिटल एम बी से लिख रहे थे, और एन ए सी एल का मोलर मास अपने को चाहिए। तो देखो एन ए सी एल सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 23, और क्लोरीन का होता है 35.5, तो टोटल मिला के हो जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास किसका हो गया NaCl का। अब इसको करना क्या है तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, करना क्या है बस 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक। और 180 ग्राम वाटर का तो मोलर मास सबको ही पता होता है, H2O होता है ना वाटर, H2O, ठीक है। ये स्टैंडर्ड सॉल्वेंट भी है, अगर कहीं पे सॉल्वेंट नहीं दे रखा है तो आपको वहाँ पे क्या करना है H2O को सॉल्वेंट कंसिडर कर लेना है, बिना कहे कोई आके कहेगा नहीं वहाँ आपसे, ठीक है। तो इसके बाद में जब अपन आगे बढ़ें तो वाटर में देखो दो हाइड्रोजन तो 2 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो टोटल हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल, तो ये 18 ग्राम पर मोल। अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो फॉर्मूला है तो अप्लाई कर दो। तो एन बी के लिए अपन क्या लिखेंगे, देखो
दो चीज़ें हो सकती है, या तो पहले आप अलग अलग मोल पता करके फिर फॉर्मूले में पुट करो, या फिर डायरेक्टली आप इसी फॉर्मूले में पुट कर लो। ठीक है, तो मैं अभी आपको इस फॉर्मूले में पुट करके बता रहा हूँ, सोल्व आप करेंगे। ठीक है, डब्ल्यू बी कितना है 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट एम बी, वो कितना है 58.5। ठीक, फिर सोलवेंट के लिए बात करें तो डब्ल्यू ए कितना है 180 नहीं है 180 है, बिल्कुल 180 है, ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, दिख रहा है, अरे इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ये तो दिख ही रहा है। तो 180 अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना है बोलो, अरे बोलो 18। ठीक है, और सिमिलर कौन से बोलेगा, अरे मैं तो बोल ही सकता हूँ ना, देखो ये लिख दिया, उसके बाद में अपने को यही वैल्यू सेम यहाँ पे फोटोकॉपी कर दो, ये डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, तो ऐसा ही है, ये लो ओ हो गया 58.5। और देखो जिसको मैथ आती है ना, जो बच्चा 10th पास करके आया है और जिसको मैथ आती है वो इसको आसानी से सोल्व कर सकता है, तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करना आपको आ गया, आ गया, कर लोगे, आगे चल सकते हैं, चलो वेरी गुड शाबाश। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मोल फ्रैक्शन। ठीक है, देखो कितनी प्यारी बात अपन ने पढ़ी है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये चार बातें कंप्लीट हो गई, चार नहीं ये पांच हो गई, कौन कौन सी, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, वी बाई वी, डब्ल्यू बाई वी, पी पी एम, और ये मोल फ्रैक्शन। अब चलते हैं सिक्स्थ, दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, और अपने देखो ये बोर्ड में आसानी से पूछने वाली डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं मोलेरिटी, मोलेरिटी आर है ये, देखो आर मोलेरिटी। ठीक है, और इसको लिखते हैं अपन कैपिटल एम से। अब देखना है कि ये क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन तो लिखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब ये हो गया कि टोटल सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है कितना है 1 है, और 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, कि सोल्यूट के प्रति इकाई आयतन में, विलेय के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। डेफिनेशन जरूर याद रखना क्या है, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विलेय के मोल हैं, किसमें प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में, तो 1 लीटर सोल्यूशन में मोलों की संख्या किसकी, विलेय की, सोल्यूट की, उसे ही अपन क्या बोलते हैं मोलेरिटी, या फिर अपन कहें तो इसको हिंदी में बोलते हैं मोलरता, मोलरता, तो मोलरता। ठीक, अब देखो अगली बार सुनो, मोलरता तो अपन ने बात कर ली, वॉल्यूम तो इसका फॉर्मूला अगर मैं बात करूं, एम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसको अपन ने क्या बोला एन बी अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये जरूर बात ध्यान रखना इन लीटर, तो वी। ठीक है, तो यहाँ से इसकी यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसा यूनिट, तो यूनिट अभी तक जो भी अपन ने पढ़ा है ना वो सब यूनिट लेस थे, सिर्फ मास वाई जो वॉल्यूम था, मास अपॉन वॉल्यूम, वो ग्राम पर एमएल था, बाकी मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, ये सब क्या है यूनिट लेस हैं,
इनकी कोई इकाई नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है, मोलेरिटी में ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे वॉल्यूम है, और वॉल्यूम किस में है, वॉल्यूम किस में है, वॉल्यूम किस में है बेटा, लीटर में। तो इसकी ऐसा यूनिट जो होगी वो क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स। तो ये ऐसा यूनिट किसकी है, मोलेरिटी की। और मोलेरिटी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अगर आपको वो डायरेक्टली ऐसे पूछे ना कि कॉन्सेंट्रेशन बताओ, तो आप मोलेरिटी बताना उसको, किसको, जो एग्जामिनर है एग्जाम में जो पूछ रहा है उसको, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा सा मैथमेटिकली लिख लेते हैं, तो एन बी अपॉन वी ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, अगर चेंज करें तो नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू वी इन लीटर। ये बात क्लियर है। अब देखो अगली बात, इफ यदि आपको जो वॉल्यूम है वो क्वेश्चन में ml में गिवन है, तो इफ वॉल्यूम इज इन ml, अगर ml में गिवन है तो क्या करेंगे, पोज करेंगे। चलो देखो अपन बात कर रहे थे कि इफ वॉल्यूम इज इन ml, अगर आपको वॉल्यूम जो है ml में गिवन है तो क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि सर जो वॉल्यूम गिवन होगा उसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में। तो देखना आप इधर देखो यहाँ पे, ठीक है, मैंने बोला कि वॉल्यूम जो है ml में है तो उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, v इन लीटर आ जाएगा, ठीक। तो मैं v लीटर को क्या लिख सकता हूँ, वी एम एल अपॉन 1000 लिख सकते हैं ना बेटा। तो यहाँ पे अपन पुट कर लेते हैं, m इक्वल्स टू एन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी इन एम एल और अपॉन में 1000, तो वो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये नया फॉर्मूला अपना बन जाएगा, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक। अब आगे क्या करना है कि देखो, ये एक फॉर्मूला हो गया, ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया, ये आपका थ्योरी वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो अभी अरे रुक जा अभी क्या करना है, अब देखो करना क्या है कि एक चीज़ और देख लो इस मोलेरिटी के बारे में, सारी चीज़ें यही क्लियर कर लो, बस खुला रहने दो बेटा इसको, है ना। इसको आगे कर लेते हैं, इसको ऊपर से रब कर रहा हूँ मैं, अब देखो यहाँ पे अपन ने मोलेरिटी का जो फॉर्मूला देखा है वो क्या है, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो सर यहाँ से मोलेरिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वॉल्यूम के। अगर मान लो वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो मोलेरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी कि नहीं होगी, पक्की बात है ना। चलो यहाँ पे एक कोई सॉल्यूशन दे रखा है, उसकी मोलेरिटी आपको m1 दे रखी है और उसका वॉल्यूम आपको v1 दे रखा है, ठीक है। अभी मैंने इसका वॉल्यूम जो है चेंज कर दिया, क्या कर दिया, वॉल्यूम चेंज कर दिया, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो थे, जो सॉल्यूट के मोल्स थे वो उतने के उतने ही रखे। मतलब अभी Nb है तो इसका वॉल्यूम चेंज करके मैंने कर दिया v2, तो इसके नंबर ऑफ मोल तो कितने हैं, Nb ही हैं, तो चेंज क्या होगा, मोलेरिटी। तो उसको अपन ने बोला कि वो m2 हो गई, ठीक है। तो अब देखते हैं इनमें रिलेशन, ठीक है। तो देखो m1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v1, सिमिलरली m2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v2। इन दोनों को क्या कर ले, अपन डिवाइड कर लेते हैं, क्या कर दे, डिवाइड। तो m1 अपॉन में m2 और उधर जाके v2 अपॉन में v1, ये आएगा। या ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख लो, m1v1 इक्वल्स टू m2v2। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रिलेशन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात एक और देखो, यहाँ पर वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है,
अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है। तो इसका मतलब तो मोलेरिटी जो है वो भी टेम्परेचर से इफेक्ट करेगी, प्रभावित रहेगी ना। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि मोलेरिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर, ये टेम्परेचर नहीं है, क्या है? टेम्परेचर, बोलने में अच्छा लगता है इसलिए, ठीक है। तो ये तो थी कुछ सिंपल सिंपल बातें थी मोलेरिटी की। अब अपन अपने अगले वीडियो में मोलेरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में जो नेक्स्ट आने वाला वीडियो है उसमें मोलेरिटी के क्वेश्चंस और आगे इसकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की अपन बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए कैमरामैन आशुतोष के साथ, ठीक है।